पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। अररिया के फारबिसगंज भगकोलिया में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला आपसी विवाद का बताया जाता है, जिसमें गांव के ही दो लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप है। मामला दो दिन पूर्व का है, जब मृतक प्रमोद मंडल अपने घर जा रहा था, तभी रात में गांव के ही दो युवकों ने भगकोलिया के पास उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद प्रमोद को गंभीर अवस्था में कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाने के क्रम में ही प्रमोद की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने फारबिसगंज थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। हमरा द्वार पे गाली देता था, खूब गलता गया से घर गए, घर ढुके गए, उसका घर ढुके गए, हम डर से कुछ नहीं बोलते थे, खिड़की के पास चुप सब जाकर के बाद में जब आंगन घुसा ना, तो हम कहे कि तोरे पकड़ी के बाद में तब अंगना से मेरा निकल गया, घुआ अंगना घुस गया मेरा। कौन मारा इसको? सबके मालूम जो कर रहा है दादागिरी। कोलिया में प्रमोद मंडल है की मारपीट के क्रम में मृत्यु हुई है, उसके परिजनों का आरोप है, इसकी जाँच की जा रही है और इसमें जिन लोगों का कांड दर्ज किया गया, कांड दर्ज करके अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि पहले उन्हें शराब पिलाई गई, इन लोगों का आरोप है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने लोगों पर? दो लोगों पर इन लोगों के द्वारा नेम्ड FIR किया गया है। ये सब लोग एक ही गाँव के हैं और एक ही मोहल्ले के हैं, पास पड़ोस के हैं, और इसमें विवाद क्या है इसका भी पता किया जा रहा है। बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।